कभी सरकार में रहे हैं क्या? तो हम क्यों खेला करेंगे? जिन लोगों को करना होगा वो अपना करेंगे। अरे माँ जी का एग्री होने की कोई बात नहीं है, राजनीतिक बात नहीं थी, हम लोग मिलने गए थे औपचारिक रूप से। हमको नहीं पता है भाई माही से क्या बात हुई, ये माही से पूछिए ना। हम कोई आधिकारिक जगह पे नहीं कुछ कहने के लिए, वो सब बड़े नेताओं से पूछिए, ये सब तो हम लोग भाकपा माले के। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, हम पांच देश रत्न मार्ग हैं, तेजस्वी यादव के साथ तमाम लोग बैठक करेंगे, बैठक और आरजेडी के साथ साथ हम माले के भी लोग पहुंचे हैं। महागठबंधन में है तो मीटिंग होगी। अच्छा, कांग्रेस के लेकिन विधायक अभी नहीं रहेंगे यहाँ पर? टाइम अभी तमाम लोग पहुँच रहे हैं और देखिए तमाम जो विधायक है वो पहुँच रहे हैं, माले के विधायक है। बात का इनविटेशन मिला है? ऐसे ही भाई, महागठबंधन में है तो मिलेंगे नहीं हम लोग। लग रहा है कि कुछ जायका टेस्ट, अरे कोई कुछ भोज खाने या फिर गिनती गिनना है, बस ऐसे ही मिलना। चलिए मिलने आए। देखिए तमाम जो विधायक है उनसे हम जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो मिलने के लिए विधायक हैं वो पहुंचे हैं और लगातार क्या आज फैसला हो जाएगा। महागठबंधन की मीटिंग है, हम लोग आए हैं मिलेंगे, बात होगी महागठबंधन की। लेकिन ये आप लोग स्ट्रेंथ अपना देख रहे हैं क्या? फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? अब हम लोग हैं एकताबद्ध हैं, यही बात कर सकते हैं। कुछ लोग ही आंकड़े में पिछड़े, कैसे विधायक आप लोगों के साथ नहीं है आज? अब ये बात हम तो कांग्रेस से पूछ सकते हैं, हमसे नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है सब लोग एकताबद्ध हैं। चलिए, सब लोग एकजुट हैं और तमाम देखिए जो लोग हैं वो माले के विधायक हैं वो आ रहे हैं और देखिए आरजेडी के विधायक हैं लगातार हैं जो लोग पहुँच रहे हैं और तमाम लोगों से हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मनोज मंजिल हैं और मालिक विधायक है। बारह तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, हम लोग शामिल होंगे फ्लोर टेस्ट होगा। लेफ्ट के दो विधायक सुबह में मांझी जी से मिलने पहुंच रहे हैं और अभी वो सब जानकारी नहीं है और सब कटसी मुलाकात है, प्रलोभन दे रहे हैं मांझी जी को। देखिए वो सब हम लोग क्या, हम लोग एमएलए हैं, वो सब बड़े नेताओं से पूछिए, ये सब तो हम लोग भाकपा माले के लोग हैं। होने के बाद लगातार, अरे भैया हम तो क्रांतिकारी लोग हैं और क्रांतिकारी लोग हैं हम, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिहार में भाकपा माले काम करती रही है, काम कर रही है। इसमें कौन सा लोकतंत्र है सर? हम लोग कहा, हम लोग तो सब 12 लोग आए हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? ये सब बड़े नेताओं से पूछिए, हम लोग उनको नहीं पता, हमको नहीं पता है भाई माही से क्या बात हुई, ये माही से पूछिए ना। मांझी जी आ रहे हैं महागठबंधन में, अरोसों के बारे में जानकारी नहीं है। खेला होगा सर? खेला जबरदस्त होगा। क्या नीतीश जी को रोक पाएंगे से? अभी जाना दीजिए, मीटिंग है, मीटिंग से आते हैं तो बात करते हैं। खेला होगा साथ में तमाम जो विधायक है, होली है, मांझी जी से मिलने के सब लोग यहीं पे हम लोग हैं। अरे रास्ता छोड़िएगा आप लोग, तब रेडी होगा आरजेडी के विधायक, तमाम लोग महागठबंधन के विधायक। अरे हम कोई आधिकारिक जगह पे नहीं कुछ कहने के लिए, अभी हम लोग को अंदर जाना है। ये हम कैसे कह दे क्या होगा? अभी बैठक, अभी अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। हालचाल पूछने गए थे और कोई राजनीतिक बात नहीं थी, फ्लोर टेस्ट है, उससे पहले कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है, बिगाड़ना चाहते हैं। महबूब जी, सरकार गिरने के बाद पहली बार सभी लोगों को बुलाया गया है? नहीं नहीं, सदन जब शुरू होता है तो महागठबंधन हम लोग पहले से हैं और ये पहली बैठक हो रही है, दूसरी कोई बात नहीं। आपने कहा था कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे, लेकिन मिलने आप चले गए मांझी जी से, क्या आप खेला करवा रहे हैं मांझी जी के साथ? हम लोग को खेल से कोई मतलब नहीं है, सदन में विश्वास मत जब आएगा तब को लोग अपना अपना फैसला करेंगे। बीजेपी अपने नेताओं को अलग चले गए, कैसे देख रहे हैं? ना हम नहीं कर सकते। नहीं, सुबह में मांझी जी के पास गए थे, क्या बताइएगा? अरे माँ जी का एग्री होने की कोई बात नहीं है, राजनीतिक बात नहीं थी, हम लोग मिलने गए थे औपचारिक रूप से। जो सुबह में बात, अरे कोई मानने की बात, और चलने दीजिए ना। और 12 तारीख को न तय होगा, खेला होगा कि नहीं होगा, फिर सत्यराम से समझने की कोशिश करते हैं। करने वाले जाने क्या कुछ हो क्या जानते हैं सत्यदेव जी? हम लोग खेला के क्या कर सकते हैं भाई,
हम लोग कभी सरकार में रहे हैं क्या इंडिया का, तो हम क्यों खेला करेंगे भैया भैया, जिन लोगों को करना होगा वो अपना करेंगे। यहाँ क्यों आए हैं? ये आपको नहीं मालूम है कि महागठबंधन में भाकपा माले शामिल है, तो महागठबंधन की बैठक होगी तो ये करेंगे। सर जेडीयू के विधायक, जेडीयू के बैठक में कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे? तो देखिए तमाम जो विधायक हैं माले के वो पहुंच रहे हैं, और देखिए हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। सुबह सुबह भाकपा माले के जो विधायक हैं वो जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंच जाते हैं और मुलाकात करते हैं। सुबह में जीतन राम मांझी से मुलाकात करना, और शाम में कहा जा रहा था कि आरजेडी के जितने विधायक हैं उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की जाएगी, पर अब माले के भी विधायक पहुंच गए। देखिए सुबह में जब जीतन राम मांझी से मुलाकात किए थे उसके बाद जो माले के विधायक हैं उनका कहना था कि खेला जोरदार होगा। क्या अब इसे संकेत लगाया जा रहा है कि सुबह में क्या मांझी जी के पास तेजस्वी यादव के दूत बन के गए थे? क्या तेजस्वी यादव के पैगाम पहुंचाने गए थे जीतन राम मांझी को? और देखिए अब जब माले के लोग होंगे, आरजेडी के लोग होंगे, पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हैदराबाद में है, पर तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, और माले के जितने भी विधायक हैं वो एकजुट होकर इसी 5 देशरत्न मार्ग में पहुंचे हैं, जहां पे तेजस्वी यादव के साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात होगी। देखिए लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है, क्योंकि एक ओर जब महागठबंधन की सरकार बिहार में गिरती है और एनडीए की सरकार बन जाती है, उसके बाद लगातार जो सवाल हैं वो उठने लगते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो बयान कि बिहार में खेला होगा, खेला भले ही उन लोगों ने शुरू किया है पर खेला ख़त्म होगा। देखिए अब कयास तेज है, क्योंकि एक ओर जहाँ जेडीयू के तमाम जो विधायक हैं उनको बुलाया गया था, भोज दिया गया था, उसमें से कुछ विधायक नहीं पहुंचे, गायब हो गए, इसको लेकर भी जो सवाल है लगातार उठ रहे हैं। दूसरी ओर सुबह सुबह माले के विधायक हैं वो चले जाते हैं जीतन राम मांझी के आवास पर, लंबी बातचीत होती है, और अब देखिए शाम में जब तेजस्वी यादव की आवास पे बैठक होती है, तेजस्वी यादव तमाम जो अपने विधायक हैं आरजेडी के उनको भी बुलाते हैं, पर माले के भी विधायक पहुंच रहे हैं। देखिए लगातार हम तमाम जो दल के लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जहां एनडीए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंटैक्ट हैं, पर सरकार गिरने की डर उधर भी है, क्योंकि अगर विधायक अब्सेंट हो जाते हैं तो जो बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है उसका नज़ारा कुछ और हो जाएगा। देखिए हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये 5 देशरत्न मार्ग है, जहां पे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहते हैं, और इसी आवास में बैठक हो रही है, जहां पे लालू यादव पहुंचे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव पहुँचे हैं, तेज प्रताप यादव पहुँचे हैं, और जो तमाम विधायक हैं चेतानंद हो या फिर और भी जो विधायक हैं लगातार बैठक में पहुंच रहे हैं, पर माले के विधायक एक साथ तमाम लोग पहुंचते हैं, और देखिए जो चर्चाएं हैं वो तेज हो जाती है। हम तमाम जो तस्वीर है वो आपके साथ अवगत करवा रहे हैं, और माले के विधायकों को भी सुनाया कि क्या कुछ करना था, आरजेडी के जो विधायक पहुँच रहे हैं उनको भी हम सुनवा रहे हैं कि किस तरीके से जब पहुंचे थे क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, लगातार खेला होने की बात कर रही है, और कहीं ना कहीं जो मैजिक फिगर है, जो मैजिक नंबर है, वो महागठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि हम हासिल कर लें। एक और जहां एनडीए के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने उस दौरान वो फिगर ना आने दें और हम लोग उस आंकड़े को छू लें, ताकि बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाए और बिहार में फिर से जो रूप है वो अलग दिखे। देखिए लगातार दावे हो रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनसे भी हमने बात किया था तो साफ शब्दों में कह रहे थे कि कोशिश दोनों ही तरफ से जायज है, एक ओर जहां सरकार बनाने की कोशिश हो रही है वहीं दूसरी ओर सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, एक ओर जहां कहा जा रहा है कि विधायक सब एकजुट हैं वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि विधायक हमारे साथ भी आ सकते हैं। देखिए अब सबकी निगाहें 12 तारीख पर टिकी हुई है, 12 तारीख को क्या होने जा रहा है, क्या नीतीश कुमार अपनी सरकार को बना पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव कोई खेला कर देंगे? देखिए खेला जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा है, क्योंकि बिहार में किस तरीके से खेला हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टोरी के साथ। लाइव स्टोरी जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।